أفديكاك حل كل عام يا شوق جافن الغيبة. आपकी जरूरत है, आप अपना वक्त दीजिए, आप अपना ब्रेन दीजिए, को काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, ये जरूरी है। आज मैं अपना ब्रेन, अपना काम, कितना इमाम जमाना के लिए वक्फ कर रहा हूं। आज जुम्मे का दिन, जहूर का मुतवक्का दिन, आज मैंने इमाम जमाना की ज्यारत पढ़ी, तो जुम्मे के दिन पढ़ी जाती है। तो बहुत से लोग बोलेंगे, अच्छा है जुम्मे को ज्यारत भी होती है इमाम जमाना की, यही मसला है हमारा। जो हमारा वक्त का इमाम है उसकी हमें पता ही नहीं है क्या है, छोटी सी ज्यारत है, मफातील जनाम है। हर दिन एक इमामों से मंसूब है, जुम्मे का दिन इमाम जमाना से एक छोटी सी ज्यारत है, दो तीन मिनट भी नहीं लगते। अब मेरे पास सोचें दो तीन मिनट ही ना हो अपने वक्त के इमाम के लिए, उसके लिए मैं जान दूंगा। सोचें, इसका मतलब है कि हमारे पर इमामत वाजे नहीं हुई है। वैसे ही हमें मेंबरों से कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं, सो जाओ कौम, सो जाए सो जाए, और सो के उठो तो गली कूचों में नाचना शुरू हो जाओ। जश्न का मतलब क्या हो गया है हमारे यहाँ अभी, क्या है ये? आप इन जश्नों में इमाम जमाना को बुलाएंगे? कहां जा रही है कौम? आप बोलेंगे नहीं, मैं तो नहीं करता, तो कौन कर रहा है? मरीक से लोग उतर रहे हैं, गली कूचों में नाच रहे हैं, वापस चले जाते हैं। मरीक से भी अगर एलियन आ रहे हैं तो आपकी प्लेनेट पे आ रहे हैं ना, आप एलियन को भगाते क्यों नहीं है? आप गैरत नहीं रही है असल में, क्यों गैरत क्यों नहीं रही है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिसको फर्क पड़ता था उसने मदीना अपनी औलाद के साथ छोड़ा, करबला उतरा, अपने 6 महीने को भी कुर्बान कराया। क्यों? क्योंकि दीन उसी के घर का था, जिसके मेरा आपका थोड़ी था। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे घर में जो शादी हो रही है उसमें नाच गाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मौलाना साहब, हमारी तो एक ही बेटी है ना, एक ही बेटी है, उस ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। आपने अल्लाह को राजी करना है या ससुराल को राजी करना है? फिर यही बेटी जब चंद दिनों बाद तलाक लेके घर में आ जाती है, फिर क्या होता है? जिस चीज की इब्तिदा गुनाह से हो रही हो, जिस जिंदगी की शुरुआत हुदूद इलाही को पांव में रखे हो रही हो, आप तसव्वुर करेंगे इस घर में इमाम जमाना के सरबाज पैदा होंगे? يا شوق جافن الغيبتين